व्हाट्सएप कैसे हैं आप सब लोग। सो मनाली वाले ब्लॉक के बाद आज हम फिर से कहीं जा रहे हैं, तो अभी हमारी ट्रेन है 8 बजे, तो करीब अभी 6:30 बज रहे हैं, हम लोग घर से निकल रहे हैं। अच्छी जगह ही जा रहे हैं, मजा आएगा, थोड़ा रिलीजियस है बट ओवरऑल बढ़िया लगेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम लोग हैं इटारसी में, और ये हम लोग इटारसी में बस अभी हमारी ट्रेन रुकी है। तो आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कर्नाटका एक्सप्रेस से, और हम जा रहे हैं शिरडी। तो अभी कोपर गांव उतरेंगे, तो अभी कोपर गांव पहुंचने का टाइम करीब 4 बजे का है, और अभी हम इटारसी आए हैं। ओवरऑल तो जर्नी बढ़िया चल रही है, ट्रेन भी टाइम पर चल रही है, मज़ा आ रहा है अंदर। मैं सोचा था थोड़े फ्रूट्स ले लें, फ्रूट्स लेके और चलते हैं अंदर, और भी देखते हैं कुछ क्या मिलता है। पहले ये फ्रूट दे देते हैं अंदर, है ना। क्या लिया है? बनाना और अंगूर लिए हैं। लोग अब तैयारी कर रहे हैं किसकी? ब्रेकफास्ट की। क्या है ब्रेकफास्ट में? इडली। ओहो, ये चटनी है। 3 तरह की रंग बिरंगी चटनी। अरे वाह, ये कुक है हमारे सामने, इडली वाले कुक, ये हमने कर्नाटका से बुलाए। क्या गिर गया? नहीं गिरी, नहीं गिरी। और ये बच्चे ऊपर मस्ती करते हुए, शिवी, ये बच्चे ऊपर से उतर ही नहीं रहे हैं, ऊपर ही चढ़ गए। कॉफी बनवा रहे हैं, बहुत देर हो गया, सुबह सुबह कॉफी नहीं पी, भैया कॉफी बना रहे हैं। देखो कैसी लगेगी कॉफी, ट्रेन की कॉफी। हाय अंबी, पकड़ो जी पकड़ो। हाउ एंजॉयिंग कॉफी, क्या करें, बैठे बैठे टाइम पास हो नहीं रहा है, तो ऊपर की सीट पे बैठे हैं और कॉफी की चुस्की का मजा ले रहे हैं। तो ठीक है, मजा आ रहा है। कैसी है कॉफी? बढ़िया, थोड़ी मीठी है ना, मीठी है ना, थोड़ी मीठी है। तो ठीक है, कोई नहीं, ट्रेन में तो ऐसा ही मिलता है। बच्चे लोग ड्राइंग कर रहे हैं, आराध्या बना रही है स्टार, ट्री, क्लाउड। अनवी क्या, अनवी क्या बना रही है? ओ, अनवी ने रेनबो ड्रॉ किया है। और ये भाई साहब पता नहीं क्या बना रहे हैं। ओके, रिवर। सो अभी हम लोग इटारसी से निकल गए, और करने को कुछ है नहीं, एसी इतना चिल्ड कर रखा है ना, बैठा नहीं जा रहा। तो हम सोच रहे हैं कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा बाहर घूम रहे हैं यहाँ पर, एसी के बाहर एरिया में। सो हम लोग आ गए खांडवा, खांडवा जंक्शन। यहाँ पर स्टॉपेज है, और हम लोग 20 मिनट बिफोर आ गए, तो आई थिंक आधा घंटा रुकेगी ट्रेन यहाँ पर। बिफोर आ गए हैं खांडवा जंक्शन, और अब यहाँ पर आके थोड़ी सी गर्मी फील हो रही है, दिल्ली से थोड़ी सी ज़्यादा है, दिल्ली नोएडा में थोड़ी सी कम है। और हो सकता है एसी में बैठे हुए थे तो थोड़ा सा फील हो रहा है बाहर आके, बट ओवरऑल बढ़िया चल रही है जर्नी, खाते पीते मज़े करते हुए चल रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। और आप लोगों को भी कैसा मज़ा आ रहा है वीडियो में बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और आगे आपको दिखाते हैं, कोशिश करेंगे इस वीडियो को यहाँ से शिरडी तक कवर करें पूरा। अब आज स्टे है, फिर कल, फिर कल का क्या प्लान है देखते हैं, आगे बताएंगे जो भी होगा। साफ सुथरा स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा स्टेशन है, बट बिल्कुल क्लीन है, तो बढ़िया है। देखते हैं कुछ खाने पीने को ले लेते हैं।
सो वी रीच भुसावल जंक्शन, बहुत बड़ा जंक्शन है इस रूट का और गर्मी अब बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पर। ये देखो लोगों ने पूरा सर ढका हुआ है, गर्म गर्म हवा चल रही है। एक तो एसी में बैठने की वजह से भी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लग रही है, बट ओवरऑल स्टेशन क्लीन है। ये देखिए भुसावल जंक्शन कितना सुंदर आर्ट बनाई हुई है। और ये पीछे खड़ी है हमारी गाड़ी कर्नाटक एक्सप्रेस। तो अभी करीब 1:30 बज रहा है और हम लोग बिल्कुल राइट टाइम आ गए हैं भुसावल। सो वी आर डिपार्चरिंग फ्रॉम भुसावल जंक्शन। दस मिनट की देरी से सनवी क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? हम तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ओह कोल्ड ड्रिंक पार्टी, आप भी कोल्ड ड्रिंक पार्टी कर रहे हो? ओके, ऊपर भी एक बंदर है, ये भी बोल रहा है बच्चे कोल्ड ड्रिंक पार्टी कर रहे हैं। सस्पेंस लग रहा है कि कहां से क्या हुआ। ऊपर से आया है, ये ऊपर से आया है, मम्मी ऊपर से नहीं आया। अरे नहीं आया, ऊपर से नहीं आया, 100% नीचे खड़ा है। मैं बता देता हूं, कल मैं कपड़े के यही मिलेगा 100% प्रीमियम। मम्मी उधर से हम कोई बात नहीं, डिस्कशन खत्म। बढ़िया हुआ जो हुआ, बढ़िया हुआ। गाइस वी रीच मनमाड़ जंक्शन और नेक्स्ट स्टेशन अपना ये यहां से कोपरगांव। सो कोपरगांव से हम लोग जाएंगे शिरडी की तरफ। तो अभी यहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक है, आई थिंक सर 5 मिनट का हॉल्ट है ट्रेन का, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। मौसम बड़ा अच्छा हो गया, अगर मैं दिखाऊँ आपको थोड़ा सा ना, तो धूप बिल्कुल चली गई है और यहाँ पर थोड़े से ना बारिश वाले बादल हो रखे हैं। तो गर्मी जो फील हो रही थी ना, वो गर्मी अब फील नहीं हो रही, तो अच्छा रहेगा। मतलब आगे कल का पूरा दिन घूमेंगे तो ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा ओवरऑल, तो अभी तो सब ठीक चल रहा है। ज़्यादा थकान नहीं हुई क्योंकि खा पी रहे हैं ना, तो थकान फील हो नहीं रही है, बट ओवरऑल ट्रिप बढ़िया चल रहा है। सो हम लोग निकल गए हैं मनमाड़ जंक्शन से और अब कोपरगांव पहुँच कर हम शिरडी के लिए फिर गाड़ी पकड़ेंगे। सो गाइस निकल गए हैं मनमाड़ जंक्शन से और अब मनमाड़ जंक्शन से नेक्स्ट स्टेशन अपना डेस्टिनेशन ही है कोपरगांव। और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा मौसम है, बारिश भी हो रही है अगर आप कैमरे में देख पाओगे तो। धूप भी है, बारिश भी है और वेदर बिल्कुल चेंज हो गया अचानक से। सो अभी इससे पहले लास्ट स्टेशन तक बहुत तेज़ धूप थी, बट अभी अचानक से पूरा मौसम बदल गया है। और अब आई थिंक यहाँ से अपने को सिंगल ट्रैक है, तो सिंगल ट्रैक पे हम लोग निकलेंगे कोपरगांव की तरफ गई अब तो। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो गेट पे खड़े होने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है। दोस्तों ये देखा होगा आप लोगों ने जब भी बचपन में आप इस साइड आए होंगे, जूम कर भाई, ये थम्स अप वाला पहाड़, थम्स अप वाला माउंटेन हम लोग जब बचपन में आया करते थे तब से देख रहे हैं इसे। जिन लोगों ने भी ये इस रूट पर ट्रैवल किया होगा तो ये थम जरूर देखा होगा, बहुत यूनिक चीज़ है, पता नहीं है क्या, लगता बिल्कुल थम जैसा ही है। और बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि थम्स अप पहुँचे। कितना क्या, अभी 4:30 बज रहे हैं और आप व्यू देखो कितना बढ़िया हो रहा है, बारिश हो रही है और धूप भी निकल रही है, सनसेट अभी हुआ नहीं है, बादल भी हैं, माउंटेन्स और कलर्स कितने बढ़िया परफेक्ट लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है देखने में सच में यार। ये देखो आप क्या व्यू है, अल्टीमेट सही में। और ये हमारी ट्रेन ने स्पीड भी पकड़ ली है अब तो, चलो अंदर चलते हैं। बट भाई बहुत सही लग रहा है, पहले ये प्लेटफॉर्म था नहीं, सेकंड प्लेटफॉर्म ये आई थिंक अभी बना है, लास्ट टाइम जब हम आए थे तब फर्स्ट नंबर प्लेटफॉर्म पे आए थे। अब यहाँ 3 प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, तो काफ़ी चेंज हो गया है, नया भी लग रहा है प्लेटफॉर्म, तो काफ़ी गाड़ी यहाँ खाली हो गई है। अब चलते हैं यहाँ से, मौसम बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है बट टाइम 4:30-5 का हो रहा है, पर यहाँ बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, बढ़िया लग रहा है ऊपर, ओवरऑल मज़ा आ रहा है और बिल्कुल भी एनर्जी वीक नहीं है, फुल एनर्जी में भी यार। सो बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है?
एनर्जी फुल किया सबको, खा पी के चने प्रोटीन सब खाया पिया है, मज़े किए, और बाहर का बिल्कुल नहीं खाया, सिर्फ घर का खाया। तो चलो चलते हैं आगे। शिरडी के मार्केट में है और बस अब अंदर अपना होटल है जहाँ बुकिंग है, तो होटल की तरफ चल रहे हैं वॉक करके। कितने दर्शन करना है, क्या करना है, ये सब प्लान है अभी का। मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ पूरा। आप काफ़ी चेंज हो गया है यहाँ पर, पहले इतनी लाइटनिंग्स नहीं थी। ये मंदिर के बैक साइड में है अभी हम लोग। चलो चलते हैं आगे, फिर आपको सही से दिखाएंगे बाद में, पहले रूम की तरफ चलते हैं अपने। गाइस ये है हमारा रूम, ठीक ही है। तो अभी के लिए इस पार्ट को यहीं पर फिनिश कर देते हैं, क्योंकि अब हमारा प्लान यहाँ से दर्शन करने चलते हैं, क्योंकि 6 बज चुके हैं और आई थिंक फिर रात में ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो अभी यहाँ से तैयार होकर अब दर्शन करते हैं, और आगे के पार्ट हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, कैसे क्या हुआ, कहाँ कहाँ गए, सब कुछ आपको अपडेट देंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और अगर आपने, अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप जाता क्या है सब्सक्राइब करने में, कर लो, ठीक है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।